हमारे किसी आदमी का बाल उखाड़ के देख लीजिए तो हम वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सारे के सारे बहुजन शेर हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अगर आप में दम है तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए, काटिए तो काटिए, कितने आप गर्दन काटोगे यहाँ पर बहुत। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहाँ से जो मिशन जय भीम है जिसे राजेंद्र पाल गौतम जी एक लंबे समय से चला रहे हैं और जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा है उनके इस मिशन का उससे तमाम लोग जुड़े हुए हैं। आज मेरे साथ यहाँ सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, पेशे से वकील हैं लेकिन आज पहली बार अपनी वेशभूषा में नहीं है तो शायद आप पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए तारुफ करवा देती हूँ कि ये वही सत्यप्रकाश गौतम हैं जो समाज के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं और जिस तरीके से लीगल एस्पेक्ट्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं वो भी हमें बताते रहते हैं। सर, आज आप किस विषय को लेकर, आप जैसे आप लॉयर हैं मंत्री जी के, जब हमने देखा कि उन्हें पुलिस लेकर गई, FIR हुआ नहीं क्योंकि कोई केस बनता नहीं था, तो फिर भी आप लोग वहाँ पहुँचे, आज यहाँ आप अपनी यूनिफॉर्म के बिना हैं, तो आज आप पर्सनली उनको सपोर्ट करने आए हैं? देखिए, पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूँ। जब बाबा साहब के सपनों का बात बनाने की बात होगी तो एक एडवोकेट जो है कोर्ट के अंदर भी लड़ेगा तो सड़कों पर भी लड़ेगा, जब लड़ाई लड़ने की बात होगी तो कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के अंदर लड़ी जाएगी और कोर्ट उतारकर सड़कों पर लड़ी जाएगी। तो जो आज हम यहाँ पर हैं वो सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए हैं। और जब आपका सवाल है कि क्या मैं इनके मिशन के साथ हूँ या व्यक्तिगत रूप से हूँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इनके साथ हूँ। इनके साथ ही नहीं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो बाबा साहब की बात करता है, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सपनों का जब भारत बनाने की बात होगी तो हमें व्यक्तिगत विचारों को साइड में रख के एक बड़े टारगेट को पाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि अब एक सवाल है कि क्या राजनीतिक रूप से हम यहाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ना ही हम राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल को समर्थन करते हैं, ना ही राजनीतिक रूप से राजेंद्र पाल गौतम को समर्थन करते हैं, परंतु जब सवाल होगा 22 प्रतिज्ञाओं का, जब सवाल होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और जब सवाल होगा कि जब वो हमें चैलेंज करते हैं कि हम 22 प्रतिज्ञा लेने पे आपके गर्दन काट देंगे या वो काट देंगे, तो समाज का हर कंधे से कंधा यहाँ मिलकर अपने व्यक्ति के साथ खड़ा होगा और वह व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो कारवां है उसे निस्वार्थ रूप से अगर आगे बढ़ाने का कार्य करेगा तो हम हर जगह वहाँ पर उनको समर्थन देंगे। तमाम मतभेदों के बीच ये जो एकता है ये उन संतों के खिलाफ है जिन्होंने गला काटने की धमकी दी है। हमारी देखिए, जब भी आप इन कुकुर मुत्तों की बात करते हैं गला काट देंगे, अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो अकेले थे, जब इनके बाप ने उन्हें धमकी दी थी, जब इनके बाप ने उनकी धमकी दी थी, यहाँ तो फिर भी हजारों लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, कि जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, सर भी बहुत हैं, धड़ भी बहुत हैं, करते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, मरते चलेंगे पर बढ़ते चलेंगे। तो जो ये धमकियाँ आप देते हो, ये धमकियाँ तो आपके बाप दादा कहते हुए 5000 साल से दे रहे हैं, तो इनकी तरह भपकियों से हम नहीं डरते, परंतु हाँ, जहाँ समाज की आवाज़ होगी, जहाँ हमारे व्यक्ति को ज़रूरत होगी, वहाँ हमारा जो व्यक्ति है वो राजनीतिक भुला के कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा रहेगा। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस मंच से ही सही राजेंद्र पाल गौतम जी ये कहें कि जब तुम लगाओगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो नोटों पर फोटो, तब हम आपका समर्थन देंगे। परंतु इस बात की जो चुप्पी है, इस बात का जो डर है, इस बात का जो लालच है, वो सारी की सारी पिक्चर कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है कि मंत्री जी कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से आज भी समाज की बात नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। देखिए, समाज सिर्फ उस परिपेक्ष में खड़ा है जहाँ तक कि 22 प्रतिज्ञाओं का सवाल है, जहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का सवाल है, जहाँ तक कि भगवान बुद्ध का सवाल है, राजनीतिक रूप से नहीं खड़ा। ये जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, ये कोई काउंसलर का टिकट मांगने के लिए नहीं खड़े हुए, ये कोई विधायक का टिकट मांगने के लिए खड़े नहीं हुए। और यहाँ पर जितने लोग गैर आम आदमी पार्टी के हैं, यहाँ सामाजिक संगठनों के लोग ज़्यादा हैं, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कोई नहीं है। जो सामाजिक संगठन में काम करने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को मर मिटने वाले लोग हैं, वो लोग आज राजेंद्र पाल गौतम साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन्हें मजबूत करने के लिए यहाँ खड़े हैं और किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं खड़े हुए। चलिए, उन संतों के लिए क्या संदेश देंगे आप? लीगली भी अगर हम बात करें तो जो ये धमकियाँ मिलती हैं, लीगल एस्पेक्ट में भी बात करें अगर, तो क्या उनको? देखिए, इस लीगल अगर आप एस्पेक्ट में बात करते हैं तो SC ST एक्ट के अंदर में नॉन अवेलेबल के अंदर FIR दर्ज होगी, 506 IPC के अंदर में FIR दर्ज होगी, और अगर उत्तर प्रदेश की बात होगी तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर FIR दर्ज होगी,
तीन या चार सेक्शंस जो हैं उन नॉन अवेलेबल सेक्शंस के अंदर FIR दर्ज होगी, जिसके बाद वो जेल जाएगा। परंतु ये दुर्भाग्य है कि गुजरात के जब प्रभारी को दिल्ली के अंदर पकड़ा जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, परंतु जब उनके ही एक मंत्री को धमकी दी जाती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। ये बात साबित करती है कि वो लोग आज भी अपने पक्ष के साथ मनुवाद को स्थापित करने के लिए खड़े हुए हैं, और हम लोग जो हैं हम लोगों को ये यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो कानूनी प्रक्रिया है उनके ऊपर FIR दिल्ली में भी दर्ज होनी चाहिए, उनके ऊपर FIR जो है पूरे भारत में दर्ज होनी चाहिए। और अब अगर आप मुझसे सवाल करते हैं कि क्यों नहीं आपने FIR दर्ज कराई, कि क्यों नहीं आपने, जब हम सब मुद्दों पर दर्ज करा सकते हैं तो इस पर क्यों नहीं, हम देखना चाहते हैं कि उस दोगले मंत्री का, उस दोगले चीफ मिनिस्टर का चरित्र और चेहरा, कि क्या वो हमारे लोगों को बचाने के लिए सामने आएगा या नहीं आएगा। तो हम इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं। अलबत्ता और बहरहाल जब तक की बात है कि FIR दर्ज करने के लिए, तो ये सारी की सारी FIR जो है नॉन अवेलेबल सेक्शंस में दर्ज होंगी। एक तरफ मंत्री जी समाज के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब के विचारों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, लोगों को उससे जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी को भी थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो इनकी गलत है। देखिए, जब लोग कहते हैं कि मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, मैं इस्तीफा नहीं कहता उसे, मैं लीगल लैंग्वेज बता दूं, वो प्रेम पत्र था एक महबूबा के नाम, कि मेरी आप में आस्था है और आपकी जो आस्था है मैं आप में विश्वास करता हूँ ना, समाज का विश्वास नहीं है उसमें। आप कितनी ही उनकी बढ़ाई करिए, कितने ही उन्हें आप प्रेम पत्र लिखिए, जब आपका चेहरा सामने आ रहा है ना तो आपको लात मारनी चाहिए कुर्सी पर, आपको समाज को लीड करना चाहिए। और अगर आपको डर है कि कोई आपका नुकसान करेगा, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ मंत्री जी, ये समाज इतना कमज़ोर नहीं है जो आपको जो है कुर्बान होने देगा। परंतु जब वो भाषा की बात होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इनका वक्तव्य आता है कि भाई हम जो है हमारा उनके प्रति लगाव है, बल्कि इस बहुजन समाज का, अनुसूचित जाति के लोगों का और दिल्ली के बहुमत का इस पार्टी में कोई भी आज लगाव नहीं है, क्योंकि इनका जो चरित्र और चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है। तो क्या इस तरीके से मंत्री जी जो दलित वोट है, दलित वोटर्स हैं या बहुजन समाज के जो वोटर्स हैं, उनको बरगला नहीं रहे अपनी पार्टी के प्रति? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बात बताइए कि जब आप एक आरोप लगता है संदीप वाल्मीकि जी पे, आप उसे तुरंत जो मंत्री परिषद से निकाल देते हैं, एक आरोप आपके ऊपर लगता है और आप कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दिया, तो आप क्या सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, क्या आप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि क्या अगर आप उस पार्टी में बने रहेंगे तो आप मंत्री जी इस मंच से जब आप कहते हैं कि हमारा नारा समती मैत्री भाईचारा और जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो आप इस मंच से कहिए ना कि केजरीवाल जी नोटों पर बाबा साहब की फोटो लगाए, क्या आप कह सकते हैं? अगर आप कह सकते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी राजनीतिक जो समीकरण है, जो आपकी राजनीतिक सोच है, सही है। परंतु अगर आप बाबा साहब की बात नहीं उठा सकते तो राजनीतिक रूप से आपकी सोच भी गलत है और आपका दिशा निर्देश भी गलत है और आपका मूवमेंट भी गलत है। क्योंकि अब जब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जब आप हमें चैलेंज करते हो तो हमने आपका चैलेंज स्वीकार किया है। आप उत्तर प्रदेश से करते हो और हम भारत के दिल्ली में खड़े होकर आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि गर्दन काटना तो बहुत दूर की बात है, हमारे किसी आदमी का बाल उखाड़ के देख लीजिए तो हम वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, ये सारे के सारे बहुजन शेर हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अगर आप में दम है तो आप चैलेंज एक्सेप्ट करिए, काटिए तो काटिए, कितने आप गर्दन काटोगे, यहाँ पर बहुत गर्दनें हैं जो कि कटने के लिए भी तैयार हैं और काटने के लिए भी तैयार। बहुत शुक्रिया सर। और जो कथनी और करनी में फ़र्क कहीं ना कहीं मंत्री जी की भी नज़र आ रही है, उस पर भी आपने काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। और जो संत हैं तथा कथित, उनको भी एक खुली चेतावनी आज सत्यप्रकाश गौतम की ओर से मिल रही है कि बाल भी उखाड़ कर दिखा दीजिए, गला काटना तो बहुत दूर की बात है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।